हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। सामान्य हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जो कि यूपीपीएससी और आरओआरओ के एग्जाम में लगातार पूछा जाता है। इसमें देखा जाए तो जब शुद्धियों की बात आती है, आपको एक शब्द दे दिया गया, उसमें वर्तनी यानी कि जो मात्राएं होती हैं वो गलत हो सकती हैं, या कोई एक वाक्य दे दिया उसमें से हो सकता है कोई शब्द उसमें फिट ना बैठता हो, इसको पहचानना अपने आप में एक समस्या कारक हो सकती है। कई बार आपकी हिंदी, कहते हैं कि हम सब बोलते ज़रूर हैं लेकिन हिंदी कितनी शुद्ध बोलते हैं और हिंदी का व्याकरण हमारा कितना अच्छा है, इस बात से आप इस टॉपिक को हल कर सकते हैं। देखा जाए तो आरओआरओ का जो दूसरा यहाँ पे प्रश्न पत्र है, 60 नंबर का जो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, उसमें आपको मूलतः व्याकरण के टॉपिक ही 6 टॉपिक पूछे जाते हैं और उनमें आपको अगर आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी के व्याकरण अच्छे हैं, तो आप इस टॉपिक पर ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर भी कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर इसी चीज़ को सीखना है, अर्थात जो हिंदी में हमारी व्याकरण संबंधी गलतियाँ होती हैं, जो अशुद्धियाँ होती हैं, उन्हें ही हमें ठीक करना है। तो ठीक करने के क्या है, सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझना कि हम गलतियाँ कहाँ करते हैं, और उसको पढ़ते समय हमें यहाँ पर ध्यान देना शब्दों पर भी और वाक्य की संरचना पर भी। जब आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो आप अशुद्धियाँ कम करेंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सही करके आएंगे। तो चलिए आज देखते हैं। देखिए, इसमें 2 टॉपिक हैं, दोनों को हम अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि यहाँ पर कन्फ्यूज़न ना हो। सबसे पहले देखिए, आज का जो टॉपिक इसमें रहेगा, हम वाक्य शुद्धि पर ध्यान देने वाले हैं। वाक्य शुद्धियां कितने प्रकार की अशुद्धियां होती हैं और वहां पर हमें किस चीजों का ध्यान रखना चाहिए, तो एक एक करके आइए यहां पर हम सभी टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले देखिए, जब वाक्य शुद्धि के टॉपिक्स आपको पढ़ना शुरू होगा तो यहां पर कई तरीके के प्रकार होते हैं, इन प्रकारों को एक एक करके हम एग्जाम्पल वाइज समझने का प्रयास करते चलते हैं। पहला है वचन कारक। अशुद्धियों के संदर्भ में देखा जाए तो कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण आपका एक शब्द या वाक्य, आपका पूरा एक वाक्य आपका गलत हो सकता है। प्रमुख अशुद्धियां जो हैं, सबसे पहले देखिए, पहला जो होता है वो वचन में। वचन यानी कि जैसे कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है, तो वचन के प्रयोग में जो कई सारी अशुद्धियां हो सकती हैं और उनके कारण आप गलत कर सकते हैं। और ये वचन में जो अशुद्धियां होती हैं वहां पर देखिए तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे हम यहां पर वचन कहते हैं। वचन संबंधी अशुद्धियां और उनके शुद्ध प्रयोग के यहां पर हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यहां पे देखिए लिखा हुआ है, पहला वाक्य है कि राम ने 10 कुंतल कोयले खरीदे, ठीक है, कुंतल 10 है, ठीक है, संख्या कारक है, संख्या कारक है। यहां पे क्या ये सही है, सही क्या होगा देखा जाए तो गलत क्यों हो गया, क्योंकि देखिए कोयले खरीदे नहीं होते हैं, कोयला खरीदा होता है, ठीक है, 10 कुंतल कोयले खरीदे नहीं, क्या होगा यहां पे, राम ने 10 कुंतल कोयला खरीदा, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे 10 तो हम यहां पे लगा चुके हैं। इसी तरह से उसने 5 कचौड़ी खाई। अब कचौड़ी में देखिए यहां पे 5 के साथ साथ हम यहां पे या जोड़ देते हैं, कचौड़ियां, 5 कचौड़ियां हमने यहां पर खाई। इसी तरीके से अपने सामानों को संभाल कर रखिए। आप कभी कभी यहाँ पे देखिए, आप रेलवे स्टेशन इत्यादि पे जाते हैं तो वहाँ पे अनाउंस होता रहता है, या फिर कहीं आप और जाएं तो वहाँ पे अपना सामान को कह सकते हैं अपने नज़र बनाए के रखिए, आपकी जिम्मेदारी जैसे शब्द वहाँ पर बोले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, अपने सामानों को संभाल के रखिए या अपना सामान संभाल कर रखिए, तो हमेशा आप देखिए अपने सामान को संभाल कर रखिए। शब्दों को जो बोलने का तरीका है, कई बार हम यहीं पर आपको अशुद्धियाँ करते हैं। इसी तरह उसका प्राण पखेरु उड़ गए, ये इसकी जगह हम क्या कहते हैं, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। शब्दों में हम थोड़ी थोड़ी मात्रागत चीजें ही हमारी यहां पर गलतियां होती हैं और ये किसके कारण होती हैं, वचन कारक। वचन में हम देखते हैं कहां एक वचन प्रयोग होगा, कहां बहुवचन होगा, बहुवचन के संदर्भ में या अंग्रेजी हम जैसे ES जोड़ देते हैं, यस जोड़ देते हैं, हिंदी में हम यहां पर देखें तो मात्राएं जो होती हैं लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, या फिर या लगा देते हैं, या फिर हम वहां पर देखा जाए तो इस तरह के शब्दों को ही हमें समझना होता है। अब यहां पे एक और शब्द है आपके लिए, आपकी महानताओं से सभी लोग परिचित हैं, या आपकी महत्ता से सभी लोग यहां पे परिचित है। महानता या महत्ता, महत्ता देखा जाए तो आपकी इंपॉर्टेंस से है, महानता आपकी ग्रेटनेस से है, तो इंपॉर्टेंस जो जो लोगों के हैं कि जो ज्यादातर लोगों के काम आएगी, ठीक है, तो वहां क्या होगी, आपकी महत्ता से सभी लोग परिचित हैं कि आप हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंस हैं। इसी तरह भ्रमर पुष्पों के परागों को चूसता है, पुष्पों के परागों को चूसता है, पुष्प के परागों को, तो यहां पे आपको क्या हो जाए, दोनों चीजों में यहां पर आप मात्रा नहीं लगाएंगे, पुष्पों में भी लगा दिया, परागों में भी लगा दिया, यहां पे नहीं, पुष्पों के पराग में, ठीक है, तो पुष्पों के पराग को यहां पर आपको चूसता है। इसी तरह यह है, श्रीमान क्या सोच रहा, श्रीमान क्या सोच रहे हैं, ठीक है, एक भाववाचक यहां पर जो संख्या है, श्रीमान अगर आपने लगाया तो एक आदर्शवाचक के संदर्भ में हम किसी को क्या कहेंगे, श्रीमान आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। इसी तरह
प्रत्येक ग्राहकों को पत्रिका पहुंच चुकी है, क्या यह सही है? प्रत्येक ग्राहकों को पत्रिका पहुंच चुकी है या फिर प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुंच चुकी है? प्रत्येक ग्राहकों नहीं हो, जब आपने प्रत्येक मतलब हर एक की बात की जाए और हर एक जब यहां पे जोड़ दिया तो वहां पे फिर ग्राहकों नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ग्राहक हो जाएगा। तो प्रत्येक ग्राहक को पत्रिका पहुंच चुका है। इसी तरीके से सभी वर्ग के लोग उपस्थित थे, ठीक है। अब इसकी जगह क्या हो सकता है? सभी वर्गों के लोग उपस्थित थे। सभी वर्ग के नहीं होगा, कहां कि लोग अगर आपने जोड़ दिया तो वो लोगों को दर्शाने के संदर्भ में हमने यहां पे क्या कर दिया कि वर्गों के लोग यहां पर आपके उपस्थित थे। इसी तरह प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। प्रकृति की सुंदरताओं ने, क्या ये सही है? इसकी जगह क्या यूज हो सकता है कि प्रकृति की सुंदरता, सुंदरताओं नहीं होता, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। तो ये कुछ शब्द हैं जो कि वचन कारक आपको यहां पे अशुद्धियां मिलती हैं, और ये वचन कारक अशुद्धियां आपको किसी भी संज्ञा में भी हो सकता है, सर्वनाम विशेषण क्रिया कहीं पर भी ये गलतियां आपको देखने को मिल सकती हैं। तो करना क्या है, इसमें सुधार कहां हमें करना है कि जब हम किसी चीज को बोलते हैं, ठीक है, वचन कारक बोलने में हमें बस यहां पे सही शब्दों का प्रयोग, मात्राओं का प्रयोग, वर्तनी का प्रयोग हमें यहां पे ध्यान रखना होता है। तो इसको कैसे ठीक होगा, थोड़ा ध्यान से पढ़ने से, और थोड़ा व्याकरण को जब आप बोल रहे होते हैं तो जब उच्चारण करने जाते हैं तो वहां पर भी अगर आप ध्यान दें तो ये गलतियां होने से बची जा सकती है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे, चीजें बेटर हो जाएंगी। चलिए दूसरा एक देखते हैं, संज्ञा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियां जो होती हैं उनको भी यहां पर हम देख लेते हैं। संज्ञा के प्रयोग में क्या क्या यहां पर अशुद्धियां होती हैं वो यहां पर देखते हैं। इसमें देखिए, संज्ञा के प्रयोग संबंधी अशुद्धियों में किसी संज्ञा के कई समानार्थक संज्ञाएं भी हो सकती हैं, और जब समानार्थक आपको संज्ञाएं होंगी तभी यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब समान अर्थी यहां पर अगर कोई संज्ञा निकल कर आएंगे, अर्थात कहने का मतलब जिनका अर्थ यहां पे समान होगा वो समानता प्रदर्शित करेंगी, लेकिन मूलतः क्या होता है, भाव में लेकिन हमेशा क्या होती है, वो भिन्नता को प्रदर्शित करती है। समान अर्थ होते हुए भी भाव क्या होंगे, वो अलग होते हैं, और उनका प्रसन्नानुकूल गर्भणी शब्द मानव के लिए जैसे प्रयोग किया जाता है। तो आइए हम इसी चीज को यहां पर आपको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। कुछ यहां पे आपको अशुद्ध वाक्य पहले पढ़ेंगे, फिर उनका शुद्ध स्वरूप यहां पर क्या होगा वो भी देखेंगे। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अशुद्ध शब्दों में, रमेश मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। पहले ही मैंने बता दिया अशुद्ध लिखा हुआ, आपके क्वेश्चन में आपसे सिर्फ पूछ लिया जाएगा शुद्ध है अशुद्ध है, क्या गलत है। तो रमेश मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता है या रमेश मेरी बात पर ध्यान नहीं देता है। लोग क्या कहते हैं, बातें करते हैं एक दूसरे से, ठीक है, शब्द नहीं होता है वहां पे। जब आप एक दो लोग बैठे होते हैं तो दो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो वहां पर आप शब्दों पर ध्यान नहीं देते। क्या कहते हैं कि आप तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं क्या कह रहा हूं, लोग खोए हुए जैसे बैठे रहते हैं उस लोग, तो क्या होता है कि आप तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो। तो यहां पर शब्दों क्या गलत है, शब्द नहीं होंगे, शब्द की जगह क्या होगा, बात होगी, ठीक है। इसी तरीके से राधा ने गीत की दो चार लड़ियां गाई। तो जब आप कोई गाना गाते हैं तो गाने में लड़ियां होती हैं या कोई और शब्द होता है, देखा जाए तो लड़ियां कहां होती हैं, लड़ियां जो होती हैं फूलों में होती हैं, जब फूलों की लड़ियां लगाते हैं, गाने में लड़ियां नहीं होती, गाने में क्या होती है, कड़ियां होती हैं, एक दूसरे से जुड़ती हैं, तो वहां पर क्या हो गया, राधा ने गीत की दो चार कड़ियां गाई। तो यहां पर क्या है, कड़ियां होगा ना कि यहां पे लड़ियां होता है। शब्दों का प्रयोग हम कहां कौन सा करेंगे संज्ञा में, इस चीज का ध्यान रखना है। इसी तरीके से अबला नारी को छूने का उत्साह कौन करेगा, क्या आप ऐसा बोलेंगे कि अबला नारी को छूने में क्या उत्साह होता है, या फिर उसकी जगह हम कहते हैं किसी व्यक्ति को जिससे आप अपरिचित हैं उसको आप टच करने जाते हैं तो वहां पर आपको उत्साह से ज्यादा आपको साहस की जरूरत, करेज की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर क्या होगा, उत्साह शब्द नहीं हो सकता है क्योंकि ये गलत होता है, उससे भाव नहीं निकल के आता है। क्या होना चाहिए कि अबला नारी को छूने का साहस कौन करेगा। तो ये शब्दों को थोड़ा सा हमें यहां पे समझना है। इसी तरीके से एक शब्द यहां पे है, हमें सफल होने की निराशा थी। कोई सफल होने के लिए निराशा व्यक्त करेगा या सफल होने के लिए हम आशा व्यक्त करेंगे, यार मैं इस एग्जाम में सक्सेसफुल हो जाऊं, मैं ऐसा प्रे करता हूं, मैं ऐसी आशा करता हूं, निराशा नहीं होगा, क्या होगा, आशा होगा कि यार मैं इस एग्जाम में सफल हो जाऊं। ऐसा कामना होता है ना, जैसे कि आप आरओ का एग्जाम प्रिपरेशन करने यूपीएससी का, कि यार मेरा इस बार हो जाए, लोग कामना ये करते हैं। तो सफल होने के लिए आप प्रे करते हैं, आशा करते हैं। तो यहां पर आपके शब्दों के संदर्भ में आप क्या हो गया, हमें सफल होने की यहां पर आशा नहीं थी, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर हमें इस बार सफल होने की मुझे आशा थी, आप ऐसा कहते हैं। निराशा, उत्साह, इस तरह के हमें सफल होने में निराशा थी, ऐसा शब्द हम नहीं कहते हैं। इस शंका की औषध उसके पास है। अब देखिए यहां पे शब्द को देखिए, पूरा वाक्य यहां पे पढ़ते हैं, क्या कहता है,
इस शंका की औषध उसके पास, औषध का मतलब दवाई यहां पर है, उपचार हम कह सकते हैं, इसकी जगह क्या प्रयोग कर सकते हैं हम, इस शंका का समाधान। शंका का समाधान होता है, अगर कोई डाउट है तो उस डाउट का क्या वहां पे समाधान होगा, तो वो हम यहां पर डाउट को लेकर के अपने क्वेश्चन से होते हैं। जैसे कि आपके कोई डाउट होते हैं किसी टॉपिक को लेकर, आपने टीचर से पूछते हैं सर ये मुझे क्लियर नहीं हुआ है, इसका डाउट है, ये मुझे डाउट है, तो फिर उसका आंसर क्रिएट करते हैं, देखिए ऐसा नहीं है, ऐसी ऐसी चीजें इसमें, ये कंफ्यूजन जो है इसको क्लियर क्लैरिटी करते हैं। तो शंका क्या कहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम यहां पर करते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तो यहां पर शंका का समाधान होगा, ना कि शंका का औषध होगा। इसी तरीके से देश की सारी जनसंख्या भूखी है, क्या ये सही है, देश की सारी जनसंख्या भूखी है, इसकी जगह क्या हो सकता है कि देश की सारी जनता भूखी है। जनसंख्या की जगह हम कौन सा शब्द यूज करेंगे, देश की जनता, ठीक है, हम संबोधन में जनसंख्या यूज नहीं करते हैं। जनसंख्या एक आंकड़ात्मक यहां पर चीज है जो प्रेजेंटेशन के संदर्भ होती है, एक सामूहिक तौर पर किसी को हम प्रयोग करना होता है तो हम क्या कहेंगे, जनता, देश की जनता को यहां पर हम कहते हैं भूखी है। इसी तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली कथा चरितार्थ होती है, बहुत लोग कहते हैं, ठीक है, इसमें सही है गलत है इसके संदर्भ क्या होगा, ईंट का जवाब पत्थर देने वाली कहावत चरितार्थ होती है, क्योंकि कथा नहीं है, कथा और कहावत में अंतर है। मुहावरे लोकोक्तियां क्या होती हैं, हम किसी कहानी के वार्तालाप के किसी टर्म को यूज करने के लिए कहा गया एक यहां पर अगूढ़े एक शब्द या फिर ऐसी कोई लाइन जिसको हम कहावत के नाम से कहते हैं, और कथा कहने का मतलब एक लंबी कहानी कह सकते हैं कि पैराग्राफ एक दो चार पेज तक चलने वाली, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट होता है। तो यहाँ पे ईंट का जवाब पत्थर देना, ये हम लोकोक्तियां मुहावरों में पढ़ते हैं। इसी तरीके से कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की ऋण है, इसकी जगह क्या हो सकता है कि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था का आधार है। तो ये जो है शब्द जो है संज्ञा के प्रयोग में होने वाली इसी तरीके की आपकी अशुद्धियां हो सकती हैं। और क्या है, अब यहाँ पे देखिए कुछ संज्ञा जो उनकी उनकी जो क्रियाएं होती हैं, संज्ञा और उनकी क्रियाओं में भी डिफरेंशिएट भी हो सकता है, उनके संदर्भ में यहाँ पर देखें कि कुछ प्रमुख संज्ञाओं के साथ कुछ विशुद्ध क्रियाएं ही प्रयोग के लिए उपयुक्त होती हैं, अतः इनका प्रयोग सावधानीपूर्वक यहाँ पे करना चाहिए। जैसे शराब ढाली जाती है, भांग छानी जाती है, ठीक है, शराब ढाली जाती है और भांग छानी जाती है, दोनों ही अलग संदर्भ में है। इसी तरह गीत को गाया जाता है जबकि राग को बजाया जाता है, भवन का निर्माण किया जाता है, मुकदमा चलाया जाता है। तो शब्दों को देखिए यहां पे कौन कौन से शब्द किससे इंटरलेट करते हैं। इसी तरह विषय का प्रतिपादन व कार्य का संपादन किया जाता है, प्रतिपादन क्षमता, हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि विषय का संपादन किया जाता है और यहां पर कार्य का प्रतिपादन किया जाता है, नहीं, कार्य का प्रतिपादन नहीं, कार्य का संपादन संपूर्ण करने के लिए कार्यगत चीजों को करने के लिए होता है। इसी तरह फांसी पर लटकाया जाता है, कविता का प्रणयन या रचना की जाती है, अभियोग या आरोप को लगा किसी पर लगाया जाता है, युद्ध जो कि किया जाता है, लड़ाई जबकि लड़ी जाती है। देखा जाए तो युद्ध लड़ाई बेसिकली एक ही संदर्भ है, लेकिन हम यहां पे जो शब्द यहां पे कह सकते हैं ना कि प्रमुख संज्ञा और उसकी जो क्रिया होती है वो डिफरेंशिएट हो सकती है, भिन्न स्वरूपों में प्रयोग की जाती है। तो यहां पर युद्ध और लड़ाई का संदर्भ भाव एक ही हो सकता है, लेकिन यहां पे देखिए संदर्भ क्रिया होने का अलग अलग है, युद्ध को हम कहते हैं किया जाता है जबकि लड़ाई को लड़ी जाती है। शंका और समस्या का देखा जाए दोनों ही अर्थों में समाधान यहां पर होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डाउट का भी सॉल्व होता है। सूली पर देखें या फांसी देखें, दोनों पे ही यहां पर देखा जाए तो फांसी पर हम कहेंगे लटकाया जाता है, सूली पर देखा जाए तो चढ़ाया जाता है। सूली और फांसी संदर्भ में एक ही होता है कि व्यक्ति को यहां पे एक तरह फांसी पे ही लटकाना है, रस्सी से यहां पे लटकाने की प्रक्रिया है। तो सूली पे देखा जाए तो चढ़ाया गया है, एक जैसे कि हम ईसा मसीह को यहां पे देखते हैं, फांसी पर देखा जाए तो आपको लटकाया जाता है। इसी तरीके से कष्ट भोगा जाता है और तकलीफ उठाई जाती है, देखा है दोनों में ही पीड़ाकारक चीजें हैं, और पीड़ाकारक चीजों में जहां कष्ट को भोगने के से संदर्भ यूज किया जाएगा, तकलीफ को हम उठाने के संदर्भ से, दोनों के लिए यहां पर देखें अलग है। प्रश्न को हल किया जाता है, तो ये चीजों को ध्यान में रखना है कि हमें किस शब्द के साथ कौन सी संज्ञा के साथ कौन सी क्रिया यहाँ पे लगानी है, कौन से किस के साथ यूज होता है। कई बार भावार्थक शब्द मिलते जुलते हुए होते भी वहां पर उनकी जो क्रियात्मक प्रक्रिया है वो अलग अलग आपको हो सकती है, इसका यहां पर वाक्य जब भी आप प्रयोग करें तो वहां पर ध्यान रखें। इसके बाद कुछ अशुद्ध अशुद्ध शब्दों को भी इसमें हम देख लेते हैं, जैसे कि लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, यह अशुद्ध लिखा हुआ है, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र है, इसकी जगह क्या होगा, लाठी बड़ा उपयोगी अस्त्र नहीं, क्या है, शस्त्र है। अस्त्र और शस्त्र में बेसिकली यहां पर आपको अंतर है। इसी तरह कोयल, कोयल रेंक रही है, ठीक है,
उसकी जगह हम क्या कहेंगे, कोयल कूक रही है। उसका कूकने सुबह सुबह आप देखें लोगों को कोयल के कूकने की आवाज़ है या गांव इत्यादि में आपको मोस्टली सुनने को मिलती है। शहरों में तो अब कहीं इतनी कंक्रीट के जंगल हो गए हैं कि वहाँ पर ऐसा तो है नहीं, लेकिन हाँ गांव में कभी कभी अगर आप सुबह सुबह थोड़ा सा देखें या शाम के पहर में देखें तो ये आपको सुनने को मिल सकती है। क्या मोर गा रहे हैं, क्या यूज़ होता है मोर गा रहा है? नहीं, क्या हम देखते हैं कि मोर नाच रहे हैं ज़्यादातर गांव में, देखिए अरे यार मोर नाच रहा है, वो देखो मोर नाच रहा है, ठीक है, मोर गा नहीं रहा होता है, मोर क्या होता है, नाच रहा होता है। इसी तरीके से इस समय राम की आयु 18 वर्ष है, क्या ये सही है इस समय, या इस समय राम की उम्र 18 वर्ष है? तो आयु और उम्र यहां पर दोनों ही संदर्भों में यूज जो हो रहा है वहां अलग रहेगा। उसने हजारों पत्रकारों का निर्माण किया, ये अपने आप में देखा जाए तो गलत है, क्यों, क्योंकि देखिए उसने हजारों पत्रकारों को तैयार किया, निर्माण नहीं, पत्रकारों का निर्माण नहीं होता, पत्रकारों को तैयार किया जाता है, आप उनको ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है, काफी लोगों को सेलेक्ट करने के बाद क्या होता है कि पत्रकारों को ट्रेन किया जाता है, बकायदा ट्रेनिंग, उसके बाद उनको तैयार किया जाता है कि हाँ चलिए आप रेडी हैं, अब आप जाके फील्ड में काम करिए। इसी तरह इस रोग का समाधान क्या हो सकता है, रोग का भाई समाधान नहीं होता है, रोग का क्या होता है, इलाज होता है। यहां पर आपको देखा जाए तो क्या होगा, इस रोग का इलाज यानी कि निदान क्या हो सकता है। समाधान हम कहां यूज करेंगे, समस्याओं के लिए, शंका के लिए हम यहां पे समाधान शब्द का यूज करते हैं। इसी तरह इस समस्या का समाधान तुम ही कर सकत हो, तो यहां पर देखा जाए इस समस्या का समाधान क्या है, निराकरण, तुम ही यहां पर कर सकते हो। समाधान हमने कहा था यहां पे समस्या के संदर्भ में भी यहां भी यूज कर सकते हैं, यहां निराकरण भी के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्विंग के संदर्भ में भी यूज कर सकते हैं। इसी तरह शत्रु की सीमा में जाना तलवार की नोक पर चलने के बराबर है, तो इसके संदर्भ में क्या होगा कि शत्रु की सीमा में जाना तलवार की धार पर चलने के बराबर। देखिए तलवार से की नोक नहीं होती है, तलवार में धार होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, हमें पता सब कुछ होता है, ऐसा नहीं धार नहीं पता आपको, नोक नहीं पता है आपको, सूलीज क्या है, समस्या क्या है, समाधान, इन सब से वर्चित हैं आप, लेकिन इनके प्रयोग में गलतियां करते हैं। कई बार हम कहते हैं ना व्याकरण और शब्दों के ज्ञान से अपरिचित होने के कारण वाक्य और वर्तनी संबंधी यहां पे गलतियां हमसे एग्जाम में सबसे ज्यादा होती हैं। बहुत छोटी सी गलतियां होती हैं लेकिन होने को तो हो जाती हैं, और हो जाती हैं तो फिर आप अगले साल फिर से एग्जाम की तैयारी में लग जाते हैं। तो अगली बार हम यहां पर ऐसी गलतियां ना हो इसलिए इनकी प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, जो कि एग्जाम में हम प्रैक्टिस जो होते हैं उदाहरणों के माध्यम से ही समझ सकते हैं। आइए अब सर्वनाम की ओर चलते हैं। सर्वनाम के प्रयोग संबंधी क्या अशुद्धियां हो सकती हैं? देखिए सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां और उनके शुद्ध प्रयोग के संदर्भ में कुछ उदाहरण समय से समझने का प्रयास करते हैं। तो सर्वनाम जो संज्ञा के पे यहां पे प्रयोग होते हैं, संज्ञा की जगह पे प्रयोग हो सकते हैं, आइए देखते हैं कैसे। अशुद्ध शब्दों में देखिए मैंने मेरा काम कर लिया, सही है, या मैंने अपना काम कर लिया, ठीक है, मैंने मेरा काम कर लिया की जगह पे क्या होगा, मैंने अपना काम कर लिया है, तो यहां पे संज्ञा के स्तर पे जो सर्वनाम प्रयोग होगा वो मेरा की जगह पे क्या होगा, अपना। इसी तरह से जो लोग अंदर आना चाहते हैं वह आ सकते हैं, भाई जिसको भी अंदर आना है आ जाओ, सिंपल सा, तो क्या ये सही है, जो लोग अंदर आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, वे आ सकते हैं, ठीक है, तो यहां पर वह की जगह क्या हो जाएगा, वे, क्योंकि यहां पे जो लोग हैं लोगों के संदर्भ में वह नहीं, काफी सारे लोग हैं तो क्या होगा, वे अंदर आ सकते हैं। इसी तरीके से माताजी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, माताजी मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, क्या सही है, माताजी तुम्हारी नहीं मुझे आपकी बहुत याद आती है, तो यहां पर शब्दों के चयन के संदर्भ में सर्वनाम में यह डिफ्रेंशिएट होना जरूरी है। इसी तरीके से एक शब्द आपसे अगर बोला जाए, राम और सुरेश दो व्यक्ति हैं, राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो हम 2 घंटे बाद आएंगे, हम सही है, तुम चलो हम 2 घंटे बाद आएंगे, तो यहां पे क्या होगा, राम ने सुरेश से कहा तुम घर चलो मैं 2 घंटे बाद आऊंगा, क्यों, हम यहां पर क्या होगा, एक से अधिक व्यक्तियों के संदर्भ में सामूहिक तौर पे यहां प्रयोग हो सकता है, मोस्टली होता है, लेकिन यहां पे देखा जाए कई जगह पे क्षेत्रों में हम का शब्द भी प्रयोग करते हैं, लेकिन व्याकरण के तौर पर देखें तो गलत है, क्या होना चाहिए, हम की जगह पे मैं। इसी तरह उसके हाथ में जो कलम है वो यह मेरी है, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है, यह मेरी है, सही है, यहां गलत हो रहा है, यहां पे क्या हो सकता है, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, यह की जगह पे वह मेरी है। इसी तरीके से यह मेरे पिताजी हैं,
यह मेरे पिताजी हैं, या फिर ये मेरे पिताजी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे संदर्भ में हम यह और वह के संदर्भ में, वे और वह के संदर्भ में, इनमें यहाँ पर काफ़ी एक प्रक्रियागत चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे परिवर्तनकारी हैं। जो कुछ मेरी है सब आपकी है, जो कुछ मेरा है सब आपका है, जो कुछ मेरी सब आपकी है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कुछ मेरा है सब आपका है, शब्दों के चयन में वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। इसी तरह तू बड़ा हो गया है, तुम्हारी शादी करा दूं। बहुत लोग होते हैं शादी ब्याह के चक्कर शुरू हो जाते हैं बड़े जल्दी, जैसे ही आप यहाँ पे ग्रेजुएशन करते हो तो घर वाले कहने लगते हैं कि भाई अब जॉब कर लो, जॉब जैसे कर लिया तो कहते हैं शादी कर लो, शादी हो गई तो फिर कहते हैं बच्चे। तो यहाँ पे क्या है, लोगों की डिमांड कुछ ना कुछ चलती रहती है। जैसे यहाँ पे उन्होंने कहा तू बड़ा हो गया है, तुम्हारी शादी करा दूं, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, तू बड़ा हो गया है, तेरी शादी करा दूं। मोहन आप आकर क्षमा मांगेगा, मोहन आप आकर क्षमा, अपने आप में बड़ा गलत लग रहा है, ऐसे बोलता ही कौन है। क्या होगा यहाँ पे, मोहन स्वयं आकर क्षमा मांगेगा, आप आकर नहीं, स्वयं खुद आके वो स्वयं यहां पर उपस्थित होगा। इसी तरह आपका भवदीय सुरेश, पत्रों में आप पत्राचार के समय में यूज करते हैं, तो वहां पे क्या होगा, भवदीय सुरेश लिखिए, आपका भवदीय सुरेश यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये कुछ यहां पर अंतर हैं, अशुद्धियां हैं, गलतियां हैं जो कि आप प्रयोग करने के दौरान करते हैं। हिंदी में देखिए सबसे अच्छी चीज होती है, जितना आप प्रयोग करेंगे उतना आपके यहाँ पे कह सकते हैं गलतियां होने के चांसेस यहाँ पे कम हो जाते हैं। और ये बोलचाल की भाषा में, लिखने की शैली में अगर आप इनका प्रयोग करते रहे तो आपको हिंदी बार बार पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़नी पड़ रहे तो कहीं ना कहीं हमारी व्याकरण संबंधी और बोलचाल शैली में जो होता है वहां पर कमियां रह जाती हैं, तो उसे यहाँ पे हमें सुधारना है। ठीक है, अब इसके बाद विशेषण के प्रयोग संबंधी भी अशुद्धियां हो सकती हैं, कौन कौन सी हैं वो भी देख लेते हैं। तो कुछ अशुद्ध शब्दों को शुद्ध शब्दों से यहां पर हम एक दूसरे से मिलान करके समझते हैं कि विशेषण में कैसी गलतियां हम करते हैं। ठीक है, अशुद्ध देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे कि उन्होंने इस विषय पर भारी अध्ययन किया, तो भारी यहां पे क्या होगा, किसी विशेषण का मतलब किसी शब्द या वाक्य को यहां पर थोड़ा सा अलग सा दर्शाने के लिए, महत्ता देने के लिए प्रयोग किया गया कोई शब्द, उसका विशेषण है। तो यहाँ पे भारी अध्ययन, अध्ययन को यहां पर ज्यादा दर्शाने के लिए, यहां पर वेटेज देखने के लिए भारी शब्द का यूज किया। यहां पर भारी अध्ययन होता है, क्या पढ़ते समय भारी पढ़ाई कर रहे होते हैं, कोई वेट लग के पढ़ रहे होते हैं, नहीं, क्या होते हैं, डीप स्टडी करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाए, उन्होंने इस विषय पर गहन अध्ययन किया है, डीप नॉलेज, यहाँ पर चीजों का विश्लेषण करके पढ़ते हैं, अच्छे से यहाँ पर समझ के पढ़ते हैं। इसी तरह उसका कद मुझसे बड़ा है, उसका कद मुझसे बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा, उसका कद मुझसे लंबा है। कद की बात करते हैं तो कद जो होता है हाइट के संदर्भ में लिया जाता है, और हाइट जो होती है उसकी लंबाई जो होती है नापी जाती है, तो यहाँ पर क्या होगा, उसके लिए कद बड़े के संदर्भ में क्या यूज करेंगे हम, लंबा। इसी तरह उस नदी का पाट बहुत लंबा है, ठीक है, उस नदी का पाट बहुत लंबा है, तो यहां पे क्या यूज होना चाहिए, उस नदी का पाट बहुत चौड़ा है। देखिए दो लंबा जो लंबाई होती है उसको संदर्भ, भाई वो कितनी लंबी है डजंट मैटर, वहां पे दोनों नदियों के जो किनारे होते हैं उसकी चौड़ाई हम यहां पर देखते हैं, पाट वहां पर होते हैं, घाट होते हैं जो, वो चौड़ाई पे बेसिकली होते हैं, लंबाइयों पे नहीं। ठीक है, तो यहां पर आप देखें तो वो क्या होते हैं, वहां पर आपको क्या यूज होना, लंबा नहीं, बहुत लंबा नहीं, बहुत चौड़ा। इसके बाद वह खाई बहुत नीची थी, खाई बहुत नीची थी, नीची सही है नहीं, क्या होगा, खाइयां क्या होती हैं, बहुत गहरी होती हैं, ठीक है, गहरी खाई में गिर गई। न्यूज आता है कि वो गाड़ी यहां पर उत्तराखंड लोग जा रहे थे तो गहरी खाई में यहां पर गिर गई जिसने से 4 लोग मर गए। ठीक है, तो वहां पे शब्दों का जो चयन किया जाता है खाइयों के संदर्भ में गहराई होती है। इसी तरह मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें लाया हूं, मैं तुम्हारे लिए बहुत पुस्तकें लाया हूं, तो यहां पर क्या हो जाए, मैं तुम्हारे लिए कई पुस्तकें लाया हूं, बहुत नहीं कई, मतलब एक से ज्यादा आप ला रहे हो तो नंबर ऑफ सीक्वेंसेस आप नहीं बता सकते, तो वहां पे उसके लिए बहुत नहीं बल्कि कई का यूज हम करते हैं। उसकी कटार छोटी है, उसकी कटार छोटी है नहीं, उसकी कटार यहां पर क्या हो सकती है, कटारें क्या है, मोटी पतली के संदर्भ में पतली हो सकती है। इसी तरह एक लंबे मैदान में खेल हो रहा होता है, मैदान क्या होता है, लंबा चौड़ा नहीं होता, मैदान क्या होगा, या तो विशाल होगा, बड़ा होगा, बड़े मैदान पे गेम हो रहा है, विशाल मैदान पे यहाँ पर खेल चल रहा है। ठीक है, जैसे क्रिकेट स्टेडियम कहते हैं, देखिए बहुत बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, तो वहां पे मैदानों को हम बड़े के संदर्भ में देखते हैं क्योंकि वहां लंबाई चौड़ा नहीं, वो गोले के संदर्भ में हो सकते हैं, वर्गाकार हो सकते हैं, तो इस तरह के लिए उसके बड़े शब्दों का हम यूज करते हैं। इसी तरह वह सुंदर गुणों से युक्त है, सुंदर गुण, अब यहां पे क्या होता है, गुण सुंदर नहीं होते, गुण अच्छे और बुरे होते हैं। ठीक है,
लोगों की अच्छाई और बुराई होती है, और वो अच्छाई और बुराई किससे नापी जाती है? गुणों से, कि भाई वो अच्छे गुण वाले हैं, बुरे गुण हैं, वो भाई ऐसा है वैसा है, तो वहां पर हम इस संदर्भ में देखा जाता है। रास्ते में कुछ वृक्ष मिले, कुछ नहीं होगा, क्या होगा? वृक्षों के संदर्भ में कहते हैं कई, यहां पर रास्ते में मुझे कई वृक्ष मिले। लोग आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो यहाँ पर ट्रैवल करने के दौरान जब आप गाड़ी जैसे आगे जा रही होती है, तो आप देखते हैं कि गाड़ी जो पेड़ पौधे आते रहते हैं वो पीछे जा रहे होते हैं। तो वहाँ पर या आप कहीं भी आप जाएं, तो कहीं बहुत अच्छे आप देखते हैं नेचर जैसे हैं, नेचुरल प्लेसेस अगर आपको पसंद है, जंगल इत्यादि पसंद है, या आजकल देखें तो सड़कों के किनारे आपको क्या होते हैं, वृक्षारोपण इत्यादि जैसे हो रहा होता है। तो ऐसी चीज़ों में हमें क्या करना है कि रास्ते में कुछ नहीं, वृक्षों में रास्ते में कई वृक्ष मिले। तुमने अति निकृष्ट भूल की है, तुमने अति निकृष्ट, यहां पे क्या हो गया, तुमने भारी भूल की है। तो ये कुछ जो है विशेषण संबंधी आपकी गलतियां होती हैं, इन्हें हमें यहां पे ध्यान रखना है। लंबा, छोटा, भारी, मोटा, कई, कुछ, ये जो विशेषण जो शब्द यूज किए जा रहे हैं वहां पे आपको गलतियां होती हैं। अब आइए यहां पे देखते हैं क्रिया के प्रयोग संबंधी कुछ अशुद्धियों के बारे में। क्रिया संबंधी अशुद्धियां कैसे होती हैं, कुछ यहां पर देखें, किसी के कार्य करने की प्रक्रियागत चीजें, जैसे कि आप वहां जाने सकेंगे, आप वहां जाने सकेंगे नहीं, वहां क्या होगा, आप वहां जा सकेंगे, आप वहां जा सकेंगे, जाने सकेंगे नहीं, जा सकेंगे। इसी तरह मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर बना दिया, हस्ताक्षर बनाया नहीं जाता, हस्ताक्षर क्या होता है, किया जाता है। तो यहां पर मैंने उस पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया, ठीक है, किया नहीं, यहां पर बनाना नहीं होगा, क्रिया क्या होगी यहां पर, कर होगी। इस यहां पे जाने नहीं है, गलत है, जाने की जगह क्या होगा, जा होगा। इसी तरीके से वह भोजन खा चुका है, वह भोजन खा चुका है, इसकी जगह क्या होगा, वह भोजन कर चुका है। इसी तरीके से जब हम भोजन को यहां पर खा रहे थे, ईट यहां पर करना होता है, और जब यहां पे कंप्लीट हो चुका है तो वहां पे कर चुके हैं, खत्म हो चुका है। इसी तरह दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं डालना चाहिए, यहां पे क्या होगा, दूसरों के चरित्र पर अकारण ही कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, डालना नहीं होता है, किसी पे आरोप लगाना, तो वहां पर उस पर हम कह सकते हैं कि वार्तालाप, कोई गलत सलत बातें यहां पर कहना और उस मुद्दे को यहां पर हाईलाइटेड करना, जिसको कहते हैं कीचड़ उछालने के संदर्भ में। इसी तरह चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों पानी गिर गया, घड़ों पानी गिर गया, या चोरी करते हुए पकड़े जाने पर उस पर घड़ों का, घड़े का यहां पे पानी गिर गया। इसी तरह कृपया उत्तर शीघ्र देने की कृपा करें, या आप कहेंगे कृपया उत्तर शीघ्र दें, ठीक है, देने की कृपा करने की जरूरत नहीं है, यह उत्तर दो, जल्दी दो, कॉपी जमा करो, पेपर दो टाइम से, ये सारी चीजें हम यहां पर देखते हैं। इसी तरह उसने नौकरी छोड़ दिया, या उसने नौकरी छोड़ दी, तो दिया नहीं, क्या होगा, दी। इसी तरह मैं उसे सहायता देना चाहता हूं, या क्या होगा, मैं उसकी सहायता करना चाहता हूं, देना नहीं, देना की जगह क्या होगा, करना। कृपया एक गिलास पानी पिलाइए, पिलाइए, इसकी जगह क्या होगा, कृपया एक गिलास पानी दीजिए, पानी देगा, पियोगे आप खुद, है ना, पीने का काम आपका है, किसी सामने वाला पानी आपको देगा। तो इस तरीके से संदर्भ में क्या है कि हमें कई बार जब वो क्रिया कारक गलतियां जहां कहां हो सकती हैं वो हमें यहां पर देखना होता है। ये सारी चीज़ें देखिए मैं आपको सिर्फ इसलिए यहाँ पे हाईलाइटेड कर रहा हूँ क्योंकि हमें गलतियाँ आप वाक्य और वर्तनी शुद्धि में, जब वाक्यों की बात करते हैं तो वाक्य ऐसा नहीं है कि आप इस वाक्य में जो होता है संज्ञा भी गलत हो सकती है, सर्वनाम भी गलत हो सकता है, क्रिया भी गलत हो सकती है, विशेषण भी गलत हो सकता है। यहाँ तो मैं आपको अलग अलग बता रहा हूँ, पहले से बता दे रहा हूँ कि हाँ भाई ये किसमें क्रिया वाली गलतियाँ हम देखने वाले हैं, तो आपको भी अंदाजा होगा हम क्रिया के बारे में, लेकिन एग्जाम पेपर में आपको नहीं पता है, वहाँ पर सिर्फ आपको पूछ लिया जाए डायरेक्टली, तो आपको पहचानना होगा देखिए गलतियाँ कहाँ हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण सब कुछ देखनी पड़ेगी कि कहीं कुछ गलती तो नहीं है, और वो आपको इसकी प्रैक्टिस से ही आप बेहतर होंगे। इसके बाद मुहावरे संबंधी भी गलतियां होती हैं, कई सारे मुहावरे आपसे बोले जाते हैं, आप भी कई सारे बोलचाल में मुहावरे बोल देते होंगे, कोई यहाँ पे घटना आती होगी या बात करते करते कोई मुद्दा उठ जाता होगा, उस मुद्दे पे कोई सटीक बैठता होगा, मुहावरा लोग बोलते हैं काफी सारे लोग। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे मुहावरे संबंधी कैसी गलतियां, जैसे कि चोर दुम दबा कर चला गया। मुहावरा क्या है, मुहावरा ये है चोर दुम दबा कर भाग गया, चला नहीं गया, क्या होता है, चोर भाग जाता है, पकड़े जाए जल्दी जल्दी, भाई अगर कहीं पकड़े ना जाए उसके चक्कर में तेजी से भागता है, चोर दुम दबा के भाग गया, चोरी छुपे यहां पर निकल गया, मतलब भाग गया।
आजकल मामूली नौकरी पाने के लिए भी तलवा चूमना पड़ता है, नहीं, यहाँ पे क्या होता है, मामूली नौकरी पाने के लिए भी तलवा चाटना पड़ता है, कि यानी कि लोगों की कारगुजारी करनी पड़ती है, थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है, थोड़ा सा यहाँ पर लोगों के आगे पीछे घूमना पड़ता है, तब जाके कहीं यहाँ पर सोर सिफारिश करनी पड़ती है, तब नौकरी मिल रही है। इसके अलावा शत्रुओं के उन्नति देखकर उसके सीने पर सांप चलता है, सांप चलते नहीं है वो, यहाँ पर देखे जाए तो क्या होता है, एक तरीके से छाती पर सांप लौटते हैं, तो शत्रुओं की उन्नति देखकर उसकी छाती पर सांप लौटते हैं। देखा जाए सांपों के पैर नहीं होते तो चल नहीं सकते, वो क्या होते हैं घिसल के यहां पे सर्पिलाकार आपको चलते हैं, एक तरीके से घिसट घिसट के आपको रेंगने वाली काम होती है। इसी तरह देखा जाए मेरी शिकायत सुनते ही वह आग बबूली हो गई, नहीं आग बबूला हो, मेरी शिकायत सुनते ही वह आग बबूला हो गई। इसी तरह जेब काट कर जेब कतरा तुरंत 9-2, 2-9-11 हो गया, 2-9-11 नहीं होता है, क्या होता है 9-2-11 होता है, तो जेब काट कर जेब कतरा तुरंत 9-2-11 हो गया। इसी तरह राम की स्त्री गूलर का फूल है जो दुर्लभ होता है, तो यहाँ पे क्या होता है राम की स्त्री के यहाँ पे देखा जाए तो चांद का टुकड़ा है, तो यहाँ पर चांद का टुकड़ा मतलब बहुत सुंदर है, गूलर का फूल जो होता है वो बहुत देखा जाए तो इसको हम दुर्लभ के संदर्भ में यूज करते हैं, और दूसरा क्या होता है कि वहां पे को जल्दी दिखाई नहीं देता है। इसकी तरह अपनी सुंदरता के अभियान में उसके अंग फूले ना समाते, या फिर हम ये कहें कि अपनी सुंदरता से अभियान में उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ते। तो ये मुहावरे जो होते हैं बेसिकली आप इनका प्रयोग करते हैं अगर, तो आप इनसे परिचित रहेंगे, इनका आप सही अर्थ जानते हैं, क्या सही होगा वो भी जानते हैं। हाँ, प्रयोग नहीं कर रहे होंगे तब यहाँ पे जरूर आपसे गलतियां होने के चांसेस है, क्योंकि मतलब ही आपको नहीं पता, आपको लगा कि ये भी सही है और ये भी सही है, तो उसके लिए आपको मुहावरे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने पड़ते हैं कि हाँ भाई मुहावरा बेसिकली सही है क्या, वो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से ईश्वर जब देता है छप्पर तोड़ कर देता है, नहीं, ईश्वर जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। इसी तरह मैंने उसे टका सा उत्तर दे दिया, या फिर मैं कहूं कि मैंने उसे टका सा जवाब दे दिया। एक और है जीती मक्खी खाई नहीं जाती, उसकी जगह जीती मक्खी निगली नहीं जाती, निगली मतलब घुटकना, यहां पर पी लिया सीधा चली गई, चबाने वाने की बात नहीं होती, खाने की बात नहीं होती। तो देखिए यहां पर आपको कुछ ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ और आपको बताऊंगा, मुहावरे के संदर्भ में एक मुहावरा बोला गया है, वो मुहावरा आपको अगर नहीं पता है तो आप इसे गलत करके आने वाले, इसमें कोई ट्रिक नहीं है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, इसके पहले वाली में जरूर ट्रिक थी आपको सर्वनाम विशेषण क्रिया संज्ञा में, लेकिन यहां पर क्या है आपको मुहावरा पता होना चाहिए। अगर मुहावरा आपको सही नहीं पता है तो आप यहां पर यह भी आपको सही लगेगा, ये भी सही लगेगा, आपको लगेगा कि गलत कौन सा है संदर्भ में, ठीक है, तो वहां पर पहचानना मुश्किल हो सकता है, इसलिए उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मुहावरे यहां पर देखने पड़ेंगे, उनको याद करने पड़ेंगे ताकि वहां पे वो गलतियां ना। अब यहां पे कुछ अनुप्रयुक्त प्रयोग के अनुप्रयुक्त के प्रयोग संबंधी कुछ अशुद्धियां भी हम यहां पर देख लेते हैं, जैसे कि कुछ शुद्ध अशुद्ध शब्द हैं, जैसे कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार किया, तो भाई कोलंबस ने अमेरिका का कोई आविष्कार नहीं किया था, कोई धातु कोई टुकड़ा कोई वस्तु नहीं थी जो बना दिया था, अमेरिका पूरा का पूरा एक महाद्वीप था जो कि उसके बस का नहीं बनाना, उसने क्या किया था सिर्फ अन्वेषण किया था, खोजा था, ठीक है। ऐसे ही लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेख स्वीकारार्थ प्रस्तुत किया, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा लिपिक ने अधिकारी के समक्ष प्रालेख अनुमोदनार्थ यहां पे प्रस्तुत किया, क्योंकि लिपिक का काम है किसी भी यहां पर अधिकारी के समक्ष प्रालेख को तैयार करना, तैयार करके सामने यहां पे अधिकारी के रखना, और अधिकारी उसे पढ़ने के बाद अनुमोदित करता है अपना हस्ताक्षर करके कि हाँ ये ठीक है, तो अनुमोदन के लिए यहां पे करता है, ना कि यहां पे स्वीकारता के लिए यहां पर करता है। इसके बाद भावी परीक्षा में उसे प्रवेश ना मिल सकेगा, या फिर हम ऐसा कहें कि आगामी परीक्षा में उसे प्रवेश ना मिल सकेगा, भावी से होने वाली है, आगामी मतलब जस्ट आ गई है, तो यहां पर इन चीजों को ध्यान रखें। उसकी अलौकिक योग्यता के कारण सभी लोग इसे मानते हैं, या फिर उसकी जगह हम ऐसा कहें कि मुझे उसकी असाधारण योग्यता के कारण सभी लोग उसे मानते हैं, तो यहां पर देखा जाए अलौकिक की जगह पे असाधारण। इसी तरीके से मुझे भय है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे भी देखें अभी हाल ही में कुछ विधानसभा चुनाव हुए हैं, आने वाले समय में अभी देखा जाए तो आपके लोकसभा चुनाव हैं, तो वहां पर हम क्या यूज करेंगे, मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाए, आप एक तरीके से संदेह व्यक्त कर रहे हैं, तो वहां पर आप देखा जाए तो क्या कहेंगे आशंका, ना कि भय, भय डरा हुआ संदर्भ में आप यूज करते हैं। इसी तरह जिला औषधालय में 11 डॉक्टर है,
या फिर हम कहें जिला चिकित्सालय में 11 डॉक्टर हैं। तो यहाँ पे हम देखा औषधालय जो होते हैं जहाँ पे आपको दवाइयाँ मिलती हैं, और चिकित्सालय जहाँ पे चीज़ें इलाज होती हैं, जहाँ डॉक्टर होते हैं आपको देखते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ों का संदर्भ ध्यान रखें। इसी तरह विलंब, विलंब से पत्रोत्तर देने की मुझे देख है, या फिर हम ऐसा कहें कि विलंब से पत्रोत्तर देने के लिए मुझे खेद है। ठीक है, देख नहीं बल्कि खेद है, मतलब देरी से पत्र का उत्तर मैं आपको दे रहा हूं, इसके लिए मुझे खेद है, दुख है। भारत में 70% व्यक्ति अशिक्षित हैं, या फिर ऐसा कहा जाए कि भारत में 70% व्यक्ति यहां पर निरक्षर। उसी तरह ताजमहल विश्व के विशाल भवनों में से एक है, या फिर उसकी जगह कहा जाए कि ताजमहल विश्व के भव्य भवनों में से एक है। विशाल नहीं, भव्यता, उसकी सुंदरता जो है और उसके बनावट जो है, उसकी रचना जो है, उसके कारण से विश्व के 8 अजूबों में यहाँ पर शामिल किया जाता है। तो उसकी भव्यता, विशालता नहीं, उसकी भव्यता जो है वो ज़्यादा परिचायक है। इसी तरह डाकुओं के खतरे के सारा गाँव थर्राता है, या फिर उसकी जगह हम कहें डाकुओं के आतंक से सारा गाँव यहाँ पे दिखाया है तो थर्राता। तो ये जो शब्द हैं आपके उनको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी तरह लास्ट में कुछ और शब्दों को देख लेते हैं, कुछ और विविध कार्य शुद्धियां होती हैं जिसमें कई सारे अन्य पहलू भी इसमें समाहित हो सकते हैं। तो ये लास्ट है, इसका प्रैक्टिस यहाँ पे आज के लिए कर लेते हैं, बाकी के नेक्स्ट सेशन में हम ऐसे वर्तनी शुद्धि और अन्य जो टॉपिक है उनको लेकर आते रहेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश जीएस को भी लेकर चल रहे हैं, जो भी अल्टरनेटिव क्लास होंगी वो भी हम लेकर आएंगे। और हाँ, वीक में आपको कुछ यहाँ पर प्रैक्टिस सेट भी कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम लेकर आएंगे, जीएस का भी और हिंदी का भी, तो वो भी यहाँ पर करना ज़रूर आपको है। शाम को 6:30 बजे आपको कोई ना कोई क्लास हिंदी की, प्रैक्टिस सेट, उत्तर प्रदेश, करंट अफेयर्स ये मिलती रहेंगी। तो आपको डेली मुझे मंडे टू सैटरडे यहाँ पर शाम को 6:30 बजे ज़रूर ज्वाइन करना है। तो चलिए जाते जाते कुछ और यहाँ पर पहलुओं को देख लेते हैं। जैसे अशुद्धियाँ क्या हैं, एक वह ऐसा व्यक्ति है जिसका कोई अंग टूटा है, या उसकी जगह हम कहें वह विकलांग है, सीधा सीधा कि वह व्यक्ति विकलांग। वह ठंडी जीभ हुई आइसक्रीम अत्यधिक खाता है, या ठंडी जीम हुई, या कहें वह आइसक्रीम बड़े चाव से यहां पर खाता है। ऐसा ही नगर में सर्वत्र शांति थी, केवल दोनों मात्र ही झगड़ते हुए मिले, केवल वे दोनों ही मात्र झगड़ते हुए मिले। इससे अच्छा सीधे सीधे आप कह दो, देखिए नगर में सर्वत्र शांति थी, केवल वो दोनों झगड़ते हुए मिले। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह मेरे अधीन जो भी कर्मचारी काम करते हैं उन सबों का आकस्मिक अवकाश अनुमोदित करने के लिए मैं योग्य हूँ। ठीक है, जितने भी कर्मचारी उन सबके यहाँ पर अवकाश अनुमोदित करने के लिए आप योग्य हैं, या ऐसा कहें कि मेरे अधीन जो कर्मचारी काम करते हैं उनका आकस्मिक अवकाश स्वीकृत करने के लिए मैं सक्षम हूं। तो यहां पर क्या करना है, अनुमोदित करने की जगह क्या होगा स्वीकृत हो जाएगा, और योग्य की जगह क्या हो जाएगा सक्षम हो जाएगा। तो ये दो शब्द यहां पर आपको ध्यान रखना है। राम और श्याम बताएं कि उन दोनों को दही नहीं अच्छी लगती। राम और श्याम ने बताया कि उन्हें दही अच्छा नहीं लगती, तो यहां पर बताएं की जगह क्या हो जाएगा बताया, और अच्छी की जगह क्या हो जाएगा अच्छा नहीं लगता। इसी तरह नेपाल के पास चीनी सेनाओं के जवान को देखा गया, या हम ये कहें नेपाल सीमा पर चीनी सेना के जवान यहां पर देखे गए। शब्दों की संरचना पर ध्यान दीजिए। एक और शब्द आपसे एक और यहां पर देखा जाए वाक्य है, जैसे कि कदाचित यदि तुम 10वें कक्षा में प्रथम आ जाते हो तब मैं तुम्हें एक घड़ी पारितोषिक में दूंगा। अब ऐसा कौन कहता है, क्या कहा जाएगा, हम कहते हैं कि यदि तुम 10वीं कक्षा में प्रथम आए तो मैं एक घड़ी तुम्हें यहां पर उपहार स्वरूप दूंगा। तो यहां पर देखा जाए तो यहां पे पारितोषिक नहीं होगा बल्कि यहां पे क्या होगा उपहार स्वरूप यहां पर दूंगा। तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखनी है, और कदाचित जैसे शब्दों का हमें यहाँ पे प्रयोग नहीं करना है, हमें सीधे सीधे कहना है यदि तुम 10वीं कक्षा में प्रथम आ गए तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक घड़ी उपहार के स्वरूप दूंगा, गिफ्ट दूंगा। इसी तरह सौंदर्य प्रेम में संयम होता है उद्दंडता नहीं, संयम होता है उद्दंडता नहीं। तो यहाँ पर देखा जाए सौंदर्य प्रेम में संयम होता है उच्च श्रृंखला नहीं होती है। एक और शब्द, सड़क पर टहलते समय मेरी टोपी गिर गई। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, जब मैं सड़क पर टहल रहा था तो मेरी टोपी गिर गई। और लास्ट जो शब्द यहां पर है, उसने कहा कि वह स्कूल जा रहा था, उसकी जगह हम क्या कहें उसने कहा कि मैं स्कूल जा रहा हूं। तो यहां पर वह की जगह पे मैं,
तो ये जो शब्दों की बात हो गई कि जो हम कैसे प्रयोग करते हैं, कहाँ प्रयोग करते हैं, जो विविध शब्द होते हैं हिंदी के संदर्भ में, हम वाक्य वर्तनी शुद्धियाँ अशुद्ध काफ़ी सारी करते हैं। तो आज हमने यहाँ पर कुछ वाक्य संबंधी अशुद्धियों को देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धियों को लेकर आएंगे। इसके अलावा भी पर्यायवाची हो गई, अनेक शब्दों एक शब्द हो गए और अन्य, यहाँ पर उसके बाद प्रैक्टिस सेट भी हमें यहाँ पर करना है। तो आप मेरे साथ यहाँ पर मंडे टू सैटरडे ज़रूर जुड़े रहिए। हम सामान्य हिंदी और उत्तर प्रदेश को लेकर के यहाँ पर लगातार आपको पूरा कंप्लीट एक रिवीजन कराया जाएगा, साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट भी लगाए जाएंगे और करंट अफेयर यहां पर उत्तर प्रदेश राज्य विशेष भी आपको कराया जाएगा। तो मंडे सैटरडे शाम को 6:30 बजे आजाद यूपीपीएससी एकेडमी पर जरूर यहां पर आप सभी फॉलोअप करें, एक रूटीन यहां पे बना लें। जैसा मैंने आपको बताया था कि डेली बेसिस पे आपको 3 शेड्यूल आपको यहां पे मिलेंगे, जिसमें 2 कंपलसरी और 1 अल्टरनेटिव रहेगा। कंपलसरी जो सेशन है, जैसे सुबह 10:30 बजे का रवि सर का रहेगा, जीएस और आपको भारत का करंट अफेयर्स के संदर्भ में, और शाम को उत्तर प्रदेश का जीएस, उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर और सामान्य हिंदी की क्लास शाम को 6:30 बजे होंगी। इसके अलावा कुछ रीजनिंग की क्लासेज होंगी, वो आपको 2:30 बजे की क्लास में आपको मिलती रहेंगी। तो रेगुलर रूप से आप जरूर यहां पर वॉच करिए, सारे वीडियोज को देखिए, रिविजन करिए और इनके बीच समय निकालिए अपने आपको सेल्फ स्टडी करने के संदर्भ में। बीच बीच में जो आपको टेस्ट सीरीज होंगी या मॉक टेस्ट आपको किस दिन कराए जाएंगे, उसकी आपको सूचना पहले से दी जाएगी। तो शाम को 6:30 बजे मेरे साथ आप मॉक टेस्ट भी जरूर दीजिएगा। इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी शामिल करेंगे, एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे और क्वेश्चन भी शामिल करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।